मेरी एक लंबी टू डू लिस्ट है। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, अपनी फ्रेंड से मिलना है, उसके बाद गॉसिप करना है। मैं तो अपनी फ्री टाइम में ज़्यादा बिजी होती हूँ। और आज हम सीखेंगे कि आप अपनी फ्री टाइम के बारे में कैसे बातें कर सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। ऑब्वियसली सबके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम तो होता ही है, काम के बाद, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, घर के कामों के बाद। तो अगर कोई आपको इस फ्री टाइम के बारे में सवाल पूछे तो आप कैसे जवाब देंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बस गेट रेडी, लेट्स लर्न टू टॉक अबाउट आवर फ्री टाइम इन इंग्लिश। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो है सिंपल। ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल आप क्या पूछेंगे, किसी से आप पूछेंगे कि भाई आपको फ्री टाइम मिलता कब है, वो कौन सा वक्त होता है जब आप फ्री होते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट फ्री टाइम। अब जब भी हम व्हेन इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है हम वक्त के बारे में पूछ रहे हैं, वो कौन सा वक्त होता है जब आप फ्री होते हैं। So the question in English goes, when do you get free time? और आपका जवाब होगा आपके अकॉर्डिंग। तो जब आपको फ्री टाइम मिलता होगा, जैसे कि कुछ लोगों को दोपहर में फ्री टाइम मिलता है, कुछ लोगों को शाम को मिलता है, कुछ लोगों को सिर्फ छुट्टियों के दिन मिलता है। तो आपका जो जवाब होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ जवाब लिखे हुए हैं। सबसे पहला जवाब है I am free in the evenings। अब I am को मैंने apostrophe यूज़ करके I am करके लिखा हुआ है, और ये अक्सर यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, तो आप इसकी आदत डाल दीजिए। I am free in the evenings, इसका मतलब है कि मैं शाम को फ्री होती हूँ, क्योंकि evenings का मतलब होता है शाम। अक्सर जो लोग काम करते हैं दिन भर, उनको शामें ही मिलती हैं फ्री टाइम के तौर पर। तो अगर आपका भी ऐसा ही कुछ हाल है कि आप दिन भर काम करते हैं और शाम को फ्री होते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्री इन द इवनिंग्स। अगला जो जवाब मैंने लिखा हुआ है वो है आई एम फ्री ऑन वीकेंड्स। अब ये वीकेंड क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं, और शनिवार रविवार या सैटरडे संडे उनको फ्री होता है या ऑफ होता है। तो सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है, 2 दिन मिलाकर जो छुट्टी होती है, उसे हम वीकेंड कहते हैं। वीकेंड मतलब वीक का एंड या वीक का अंत। मतलब वीक माना जाता है कि मंडे को शुरू होता है और जाके संडे को ख़त्म होता है। तो सैटरडे संडे वीक के 2 लास्ट डेज हुए, इसलिए हम उनको वीकेंड कहते हैं। तो अगर आपका ऐसा हाल है कि मंडे टू फ्राइडे आप पूरा दिन काम करते हैं, शाम को भी फ्री नहीं होते, तो आपका जवाब हो सकता है आई एम फ्री ऑन वीकेंड्स, मतलब आई एम फ्री ऑन सैटरडे एंड संडे। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ छुट्टियों के दिन फ्री होते हैं, तो जैसे कोई नेशनल हॉलिडे हुआ, कोई फेस्टिवल का हॉलिडे हुआ, तो वो लोग कह सकते हैं आई एम फ्री ऑन हॉलिडेज़। अब यहाँ पर इन 2 शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, ये है इन और ये है ऑन। इन दोनों शब्दों को कहा जाता है प्रेपोजिशंस। तो आपको बेसिकली आई एम फ्री ये कहकर उसके आगे प्रेपोजिशन जोड़ना है, और फिर कहना है वो कौन सा वक्त है जहाँ पर आप फ्री होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला है आई एम फ्री इन द इवनिंग्स, और यहाँ पर हमने बोला है आई एम फ्री ऑन वीकेंड्स। या फिर अगर आपको कहना है कि हम छुट्टियों के दिन फ्री होते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्री ऑन हॉलीडेज़। तो बस आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई आपसे इंग्लिश में पूछे व्हेन डू यू गेट फ्री टाइम, तो आप जवाब कैसे देंगे। जो होम मेकर्स होती हैं लेडीज़, जो दिन भर घर में रहती हैं और घर ही से काम करती हैं, उनको शायद दोपहर के वक्त थोड़ा वक्त मिलता होगा अपने लिए एज फ्री टाइम। वो कह सकती हैं आई एम फ्री इन द आफ्टरनून्स। तो ऐसे बहुत से जवाब हो सकते हैं, तो आप अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल जो है वो है हु डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम विथ। अब जब भी कोई सवाल हु से शुरू होता है, हु का मतलब होता है कौन, जैसे कि when का मतलब होता है कब। तो यहाँ पर पूछा गया है who do you like to spend your free time with। तो इसका मतलब होता है आप किसके साथ अपना फ्री टाइम बिताना पसंद करते हैं। अभी पसंद करते हैं पूछना है, इसलिए हमने लाइक इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि फ्री टाइम तो होता है, लेकिन जिसके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जिसके साथ बिताना चाहते हैं, वो लोग फ्री नहीं होते। तो अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किसके साथ अपना फ्री टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। Who do you like to spend your free time with? और यहाँ पर मैंने जवाब लिखे हुए हैं। I usually spend my free time with, और आगे आप उस पर्सन के बारे में कह सकते हैं जिसके साथ आप फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे इस बात को? आप कहेंगे I usually spend my free time with family, या फिर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमने यूजुअली ये वर्ड यूज़ किया है। यूजुअली का मतलब होता है ज़्यादातर, I usually spend my free time with my family। तो यहाँ पर आप my लिखेंगे, या my friends, या फिर अगर आप अपने बच्चों के साथ अपना फ्री टाइम बिताते हैं ज़्यादातर, तो आप कहेंगे my children। एक दूसरा तरीका भी है इस सवाल का जवाब देने का, और वो थोड़ा शॉर्टर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। I love to spend my free time with my family or my friends or my children or my boyfriend, my girlfriend and you know whoever, my pet। अगर आप अपने डॉगी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं तो आप my pet भी लिख सकते हैं। तो I love to spend my free time का मतलब होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना फ्री टाइम मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कज़न्स, इन सब के साथ बिताना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जवाब बना सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों सेंटेंसेस को सीख लीजिए ताकि आप उसमें अपने पसंदीदा लोगों को डालकर एक पूरा इंग्लिश सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। So you can say I usually spend my free time with my family. I love to spend my free time with my boyfriend. तो बस ये दो जवाब आपको मिल गए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है What do you do in your free time? अब जब what यहाँ पे हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होता है कि क्या, वो क्या है जो आप करते हैं अपने फ्री टाइम में। What do you do in your free time? अब इसके भी बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बिकॉज़ अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करना पसंद करेंगे ऑब्वियसली। तो मैंने कुछ जवाब अपने हिसाब से लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला जवाब I play tennis। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमने play यानी कि खेलना ये वर्ब यूज़ किया है। I play tennis मतलब मैं टेनिस खेलती हूँ अपने फ्री टाइम में। सेकंड जवाब है I go for a swim, मतलब मैं एक स्विम के लिए जाती हूँ, तैरने जाती हूँ। अगर इसी सेंटेंस को आपको शॉर्ट में देखना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं I swim। ये भी बिल्कुल करेक्ट है और शॉर्टर है, ईजियर है। I go for a swim यानी कि मैं तैरने जाती हूँ, या फिर I swim मतलब मैं तैरती हूँ। swim का मतलब है तैरना। नेक्स्ट सेंटेंस है I meet friends। अब meet इस वर्ब का मतलब होता है मिलना, और friends का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो मैं अपने friends से मिलती हूँ, यही इस सेंटेंस का मीनिंग है। और कुछ लोगों को ये करना भी पसंद आता है जो मैंने फोर्थ रिप्लाई लिखा हुआ है, और वो है I go for a movie यानी कि मैं फिल्म के लिए या मूवी के लिए जाती हूँ। गो का मतलब है जाना, और मूवी, फिल्म, ये सब तो आप जानते ही हैं। इसी सेंटेंसेस को आप दूसरे तरीके में भी बोल सकते हैं। आई गो फॉर अ मूवी के अलावा आप कह सकते हैं आई वॉच अ मूवी। वॉच का मतलब होता है देखना। तो बहुत सारे और भी जवाब बन सकते हैं इस क्वेश्चन के। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आई गो शॉपिंग, मतलब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक, मतलब मैं एक वॉक के लिए जाती हूँ, चलती हूँ। और मैं ये भी कह सकती हूँ आई गो फॉर डांस क्लास, मतलब मैं अपनी डांस क्लास जाती हूँ। तो ऐसे बहुत से जवाब होंगे जो आपके लिए परफेक्ट होंगे, जो आपके अकॉर्डिंग होंगे, वो जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं वो सीख लीजिए। आपको आई गो, आई प्ले, आई वॉच ऐसे वर्ब्स यूज़ करने पड़ेंगे, और आगे आपका जो भी रिप्लाई है वो भी आप कह सकते हैं। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, एंड देन यू विल गेट दिस जस्ट राइट। बस इन जवाबों को और सवालों को प्रैक्टिस करते रहना है आपको। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगी और बहुत सारे वीडियोस और लेसन्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर। दिस इज़ मी रीमा, साइनिंग आउट।